टीवी वर्सेस प्रोजेक्टर। एक होम थिएटर प्रोजेक्टर आपको सिनेमा जैसा फीलिंग दे सकता है, तो क्या आपको एक प्रोजेक्टर लेना चाहिए एक बड़े स्क्रीन वाले टीवी के बदले में? प्रोजेक्टर और टीवी के अपने अपने फायदे और लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि प्राइस के मामले में कौन आगे है। एक एवरेज HD LED टीवी ₹15,000 से स्टार्ट होता है। आई रिपीट, इट्स एवरेज टीवी। और इस टीवी में अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर या टेक्नोलॉजी जैसे QLED, OLED, स्मार्ट एंड्रॉइड अगर जुड़ जाए तो वो दाम बहुत ही तेजी से बढ़ते जाता है। जबकि एक एवरेज 100 इंच HD प्रोजेक्टर स्टार्ट्स विद ₹12,000 ओनली। अगेन आई रिपीट, इट्स एवरेज HD प्रोजेक्टर। वैसे तो आपको 120 इंच का HD प्रोजेक्टर 5,000 का नीचे भी मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में अगर एक्स्ट्रा फीचर जुड़ जाता है जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी, 4K डिस्प्ले, अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो, स्मार्ट प्रोजेक्टर्स, वाईफाई वगैरह वगैरह, तो उसका भी दाम बढ़ते ही जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्क्रीन साइज को कंसिडर करें तो कॉस्ट के मामले में प्रोजेक्टर जीत जाता है। नंबर 2, बात करते हैं ब्राइटनेस को लेके। टीवी के केस में लाइट टीवी से होता हुआ व्यूअर्स का आंखी तक आता है, जबकि प्रोजेक्टर अपने लाइट को वॉल पे फोकस करता है, फिर वॉल से रिफ्लेक्ट होके लाइट व्यूअर्स का आंखी तक पहुंचता है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्टर नीड्स डिम और डार्क रूम टू प्रोड्यूस ए क्लियर और क्रिस्पी पिक्चर। अगर रूम का लाइट ऑन कर दो तो पिक्चर वॉश आउट हो जाता है प्रोजेक्टर का। एक बार आप सोचिए, मूवी थिएटर का लाइट क्यों ऑफ होता है? दिस इज द रीजन। जबकि टीवी में काफी ब्राइटनेस होता है और टीवी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि लाइट ऑन है या ऑफ। तो इसीलिए मैं अपने लिविंग रूम पे टीवी लगाया है जहाँ पे लाइट मेरा बिल्कुल भी नहीं सुनता, और मेरे पर्सनल रूम में मैंने प्रोजेक्टर लगाया है जहाँ पे मैं लाइट का बिल्कुल नहीं सुनता। तो ब्राइटनेस के बैटल में टीवी इजीली जीत जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोजेक्टर का लिंक दिया है जो लाइट में भी कमाल का परफॉर्मेंस देता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 3, बात करते हैं स्क्रीन साइज को लेके। घर के लिए एक मॉडर्न टीवी अराउंड 80 इंच का होता है। कुछ टीवी तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है, जैसा कि सैमसंग द वॉल 292 इंच, और टीवी का दुनिया में तो ये मॉन्स्टर है। और ये टीवी सोचना भी नहीं, अपने औकात से बाहर है। जबकि एक एवरेज प्रोजेक्टर का स्क्रीन स्टार्ट ही होता है 100 इंच से और जाता है 150 इंच, 200 इंच, 300 या 400 इंच तक। स्क्रीन साइज के बैटल में क्लियर विनर है प्रोजेक्टर, और इस कैटेगरी में प्रोजेक्टर को बीट करना लगभग नामुमकिन है इन नियर फ्यूचर में भी। नंबर 4, अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो का। फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट रेशियो? इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन द डार्क कलर एंड द ब्राइट कलर। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग 40 इंच OLED टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 1,000,000:1। इसका मतलब ये है कि इस टीवी में जो व्हाइट कलर है वो 1,000,000 टाइम्स ज्यादा ब्राइट है डार्क कलर से। सो ऑल टुगेदर, हायर द कॉन्ट्रास्ट रेशियो, डीपर द ब्लैक कलर एंड बेटर द पिक्चर क्वालिटी। और दूसरी तरफ प्रोजेक्टर में भी हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है, जैसे कि ऑप्टिमा UHD 50 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 5,000,000:1। अगर आपके रूम के लाइट ऑन हो तो इतने हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो या तो ब्राइटनेस का इंपैक्ट सही से नहीं पड़ेगा, आपको सही पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलेगा। वेयर एज टीवी हैज द एबिलिटी टू डिस्प्ले बेटर पिक्चर क्वालिटी इन लाइट एनवायरमेंट। सो कॉन्ट्रास्ट रेशियो के मामले में द विनर इज नो डाउट द टीवी। आपको टीवी के साथ जाना चाहिए अगर आप अपने घर के लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते तो। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन में कौन जीतता है या कौन हारता है। फर्स्ट, व्हाट इज रेजोल्यूशन? इट्स टोटल नंबर ऑफ कलर डॉट्स या पिक्सल्स दैट फिल्स द कंप्लीट स्क्रीन बाय एन इमेज। फॉर एग्जाम्पल, फुल HD रेजोल्यूशन मीन्स 1920x1080 पिक्सल्स। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन का एक लाइन में 1920 कलर डॉट्स होता है, यानी 1920 पिक्सल्स। और इस तरह टोटल 1080 लाइन से पूरा स्क्रीन में एक फुल HD इमेज बनता है। सो ऑल टुगेदर, मोर द नंबर ऑफ पिक्सल्स, बेटर द पिक्चर क्वालिटी, हायर द डिटेल इन द पिक्चर। सारा जमाना 4K का दीवाना। Both TV and projector can handle 4K resolution. अगर 4K content को crush करके छोटा TV में देखा जाए तो क्या मजा आएगा? No. अगर 4K content को enjoy करना है then go for big screen. So resolution के मामले में clear win है projector का। अब देखते हैं maintenance के field में किसका पल्ला भारी है। मॉडर्न LED TVs आर मेंटेनेंस फ्री, या तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। जबकि प्रोजेक्टर का मेंटेनेंस डिपेंड करता है प्रोजेक्टर का लैंप में। देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर लैंप्स: मेटल हैलाइड, LED, लेजर और हाइब्रिड प्रोजेक्टर्स। ये सारे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में LED प्रोजेक्टर सबसे बेटर परफॉर्म करता है और इसका मेंटेनेंस भी सबसे कम होता है। साथ ही प्रोजेक्टर के और एक प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रोजेक्टर को डस्ट फ्री रखना होगा। सो मेंटेनेंस के बैटल में क्लियर विनर है टीवी।
अगर आपको प्रोजेक्टर लैंप के बारे में डिटेल में जानना है, कौन सा लैंप कितना परफॉर्म करता है और आपको कौन सा लैंप के साथ में जाना चाहिए, उसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दूसरा, मेरा आई बटन में जाके आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। नंबर 7, नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज इंस्टॉलेशन एंड स्पेस रिक्वायर्ड बाय दीज गैजेट्स। मॉडर्न टीवी को इंस्टॉल करना जस्ट बाय हाथ का खेल है, तो राइट हैंड हो गया, बाय हाथ का खेल है और कम स्पेस वाले रूम के लिए भी टीवी एकदम परफेक्ट है। और दूसरी तरफ प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करना, स्पेशली द सीलिंग माउंट वाला, थोड़ा मुश्किल काम है। साथ ही में प्रोजेक्टर के लिए आपको एक बड़ा रूम चाहिए बिग स्क्रीन को एंजॉय करने के लिए। सो इंस्टॉलेशन एंड स्पेस के कैटेगरी में टीवी इज द विनर। नंबर 8, इट्स टाइम फॉर द साउंड क्वालिटी। वैसे तो दोनों गैजेट में ही इनबिल्ट स्पीकर्स आता है, पर टीवी का साउंड क्वालिटी बेटर परफॉर्म करता है और प्रोजेक्टर का तो साउंड क्वालिटी एकदम लुल है। तो साउंड क्वालिटी की कैटेगरी में टीवी इज द क्लियर विनर। और मेरी माने तो अगर आपको रियल साउंड क्वालिटी एंजॉय करना है तो आपको एक डेडिकेटेड स्पीकर सिस्टम लेना चाहिए अपने घर के लिए, ताकि आप थिएटर जैसा फीलिंग को एंजॉय कर सके। मेरे पास एक स्पीकर है जो जबरदस्त साउंड क्वालिटी देता है और वो भी कम दाम में, जिसका लिंक मैंने आई बटन में देके रखा है या डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसीडर। नंबर 9, पोर्टेबिलिटी। प्रोजेक्टर पोर्टेबल है पर टीवी नहीं। प्रोजेक्टर छोटा होता है, जहां मर्जी आप उसे लेके जाइए और कंटेंट को इजीली एंजॉय कर सकते हैं, पर टीवी के साथ में थोड़ा मुश्किल है। सो नंबर 10, ऑडियंस। अगर आपके पास बहुत सारा ऑडियंस है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टर के साथ जाना चाहिए, टीवी से काम नहीं होगा। अगर आपके पास ऑडियंस कम है तो आप टीवी से काम चला सकते हैं। अब तक हमने जो बात किया, चलिए सारे चीज का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कॉस्ट के मामले में विनर है प्रोजेक्टर, ब्राइटनेस के मामले में विनर है टीवी, स्क्रीन साइज में प्रोजेक्टर विनर है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो में टीवी विनर है और रेजोल्यूशन में प्रोजेक्टर विनर है, मेंटेनेंस के साइड से टीवी विनर है, स्पेस के मामले में टीवी विनर है, साउंड क्वालिटी में भी टीवी विनर है, पोर्टेबल के साइड में प्रोजेक्टर विनर है और ऑडियंस के साइड से भी प्रोजेक्टर विनर है। सारे कैटेगरी के प्रोज एंड कॉन्स भी मैंने बता दिया है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके घर के लिए टीवी बेटर है या प्रोजेक्टर बेटर है। सो अब बात करते हैं मेरा चॉइस क्या है। जब से प्रोजेक्टर का रेट मार्केट में कम हो गया है, तब से ये कंफ्यूजन या तो का बैटल स्टार्ट हो गया है कि कौन बेटर है, प्रोजेक्टर या टीवी। बट इन माय ओपिनियन इट्स सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन योर रूम एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट। माई रिकमेंडेशन इज, अगर आपके रूम पे विंडोज है, डोर्स ज्यादा है और आप अपने रूम के लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको टीवी के साथ ही जाना चाहिए। और अगर आप अपने रूम के लाइट को कंट्रोल कर पाते हैं तो यू मस्ट गो फॉर ए गुड प्रोजेक्टर। माई फेवरेट गैजेट विदाउट एनी डाउट एंड कन्फ्यूजन इज प्रोजेक्टर। आई जस्ट लव प्रोजेक्टर्स।